बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हेलो एवरीवन, आज हम जो कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है डेटा साइंस। बहुत ही आजकल के दौर का इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, और तकरीबन जब भी हम बात करते हैं तो या कोई भी डिस्कशन करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स, तो डेटा साइंस की बात हर जगह होती है। आखिर क्या वजह है कि ये इस सब्जेक्ट को इतनी ज़्यादा अहमियत दी गई है और इसको स्टडी करने की क्या ज़रूरत पड़ी है? बेसिकली अगर आजकल के दौर में देखा जाए तो इस दौर को हम डिजिटल दौर कहते हैं, और हर चीज़ जो भी है वो आजकल कंप्यूटराइज हो गई है। पहले क्या होता था कि चीज़ें कुछ हद तक जो है वो कंप्यूटराइज थी और कुछ मैनुअल, लेकिन आजकल जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो डिजिटल वर्ल्ड की तरफ ज़्यादा हो रही है। तो जब डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं हम, तो उसमें क्या होता है कि तकरीबन जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी प्रोसेसेस होते हैं, वो एक्चुअली डेटा के थ्रू ही होते हैं। तो आजकल जो है वो डेटा की अहमियत जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है डेटा साइंस की, कि मतलब हर कोई सोचता है कि मैं डेटा साइंटिस्ट हो जाऊं। लेकिन इस फील्ड को इसमें आने से पहले और इस फील्ड को चूज करने से पहले, इस लेक्चर को स्टार्ट करने का मकसद ये है कि आपको ये ब्रीफ किया जाए कि मतलब जब आप डेटा साइंस के सब्जेक्ट को या डेटा साइंस की फील्ड को चूज करेंगे तो आपके माइंड में क्या होना चाहिए, कि मतलब आप डेटा साइंटिस्ट बनने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। अच्छा, जब हम बात करते हैं डेटा की, तो डेटा मीन्स रॉ डेटा, ठीक है। अब वो डेटा कहाँ कहाँ से आ रही है? डेटा मल्टीपल जगह से जो है वो हमें आजकल के दौर में मिल रही है। फॉर एग्जांपल अब हम बात करते हैं कि डेटा हमें मिल रही है कंप्यूटर से, डेटा हमें मिल रही है मोबाइल डिवाइस से, डेटा हमें मिल रही है कैमरा से। अब मोबाइल डिवाइस से मुख्तलिफ डेटा हमें मिलती है। फॉर एग्जांपल मोबाइल डिवाइस से कौन सी डेटा आप रिसीव कर सकते हैं? मोबाइल डिवाइस में डिफरेंट सेंसर लगे होते हैं, कैमरा का भी सेंसर है, आप उससे जो है वो पिक्चर कैप्चर कर रहे होते हैं, और मोबाइल के थ्रू आप जो है ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू आप वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, कंप्यूटर के थ्रू आप डेटा जनरेट कर सकते हैं, और आप जो है वो टेक्स्ट फाइल्स जो है वो आप जनरेट करते हैं, मतलब टेक्स्चुअल डेटा। आपके पास वीडियो डेटा होती है, आपके पास इमेजेस होते हैं, आजकल आप मतलब वॉचेस जनरेट करते हैं, वॉचेस पहनते हैं, तो स्मार्ट वॉचेस जो आपकी आपकी ओवरऑल जो है डेली जो है वो डिफरेंट रीडिंग्स जो है वॉच नोट करती है, कि फॉर एग्जांपल आपने कितनी कैलोरीज जो है वो बर्न की है हेल्थ के हिसाब से, कितना आपने वॉक किया है, और आपने जो है वो सेडेंट्री जो है वो लाइफ आपकी कितनी है, आपकी एक्टिव लाइफ कितनी है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये डेटा है बेसिकली। अब जो डेटा आ रहा है हमारे पास वो एक्चुअली डेटा मे बी किसी डिफरेंट फॉर्म में होगा, तो हमें उस डेटा से कुछ ना कुछ मकसद निकालना है, उसको मतलब डेटा को एनालाइज करना है, हम उस डेटा से कुछ मकसद हासिल करना चाहते हैं। तो जब हमें डेटा मिल गया, उसके बाद डेटा से कुछ उसको मीनिंगफुल फॉर्म में लाना और उस
डेटा से कुछ चीजें हासिल करना। फॉर एग्जांपल अब कोई हमारा एक बंदे का बिजनेस है और वो उस करंटली उसने कुछ इन्वेस्ट किया है और उसका बिजनेस रन कर रहा है, उसके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उसने रन किया है बिजनेस उसका चल रहा है और प्रोडक्ट्स के ऑर्डर आ रहे हैं, उसका डेली रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो वो बंदा चाहता है कि फॉर एग्जांपल मेरी इतनी इन्वेस्टमेंट है और मैंने ये प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च किए हैं और अब मैं चाहता हूँ कि मैं देखूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस इस हिसाब से जा रहा है तो अगले फॉर एग्जांपल 2 महीने के बाद मेरा बिजनेस कहाँ है स्टैंड करेगा। तो मतलब करंट चीज को देखते हुए, करंट सिनेरियो को देखते हुए हमें ये एनालाइज करना है 2 मंथ के बाद। तो मतलब करंट सिनेरियो जो होगा वो डेटा होगी और जो 2 महीने के बाद जो हमें फॉर एग्जांपल उसका कुछ मिलेगा कि फॉर एग्जांपल 2 महीने के बाद इतना रेवेन्यू जनरेट होगा और इन्वेस्टमेंट अगर सेम रही तो, अगर इन्वेस्टमेंट इससे दुगनी की जाए तो उसके बाद कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तो मतलब डेटा साइंस कितनी हेल्पफुल है, मतलब उस डेटा से आप कितनी जो है वो कितना मीनिंगफुल जो है वो डेटा से एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। अगर हम हेल्थ साइड की बात करते हैं, एक बंदा है जिसको फॉर एग्जांपल वो डायबिटिक है, अब उसकी फॉर एग्जांपल उसमें डेली उसकी एक उसका एक डाइट प्लान है और वो इंसुलिन भी ले रहा है और उसका एक डाइट प्लान भी है, तो कौन कौन सी डाइट ली है और मुख्तलिफ टाइमिंग पे उसका जो शेड्यूल है वो फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज का और न्यूट्रिशन का, डाइट का और इंसुलिन का, कितनी इंसुलिन ले रहा है और उसकी जो है वो शुगर लेवल कितनी हो रही है। तो फॉर एग्जांपल वो चाहता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं डाइट प्लान में अगर चेंज करूँ तो क्या चेंज करूँ कि मेरी जो शुगर है वो उसी रेंज में रहे। तो मतलब ये सारी चीजें जो है अगर हम चाहते हैं कि उस डेटा से कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन लें और कुछ प्रेडिक्ट करें फ्यूचर का करंट डेटा को देखते हुए, तो हमें डेफिनेटली जो है वो इस डेटा साइंस की फील्ड को चूज करना पड़ेगा। उस डेटा को जो हमारे पास आ रहा है उस डेटा को जो है वो हमें एनालाइज करना पड़ेगा और उससे कुछ ना कुछ जो है वो मकसद लेना पड़ेगा उस डेटा से। अगर फॉर एग्जांपल वो मकसद जो हम चाह रहे हैं वो नहीं मिल पा रहा डेटा से जो हमने एनालाइज किया है उसमें, तो हम उसको और इम्प्रूव करेंगे। तो डेटा साइंस का सब्जेक्ट इसलिए बड़ा अहम है कि हम चाहते हैं कि इसको ज्यादा जो है वो पहले डीपली इसको स्टडी करें। अच्छा, अब मैं थोड़ा क्योंकि मेरा ये मकसद था कि मैंने आज का लेक्चर स्टार्ट किया तो काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं जो वो परेशान होते हैं कि हमारा जो फ्यूचर है वो कैसा होगा, हम आगे चल के मतलब कौन सी चीज़ चूज करें। तो मैं आपको बता दूं कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड है वो बहुत ही बेहतरीन फील्ड है। आजकल जो है डिजिटल दौर है, तो आप अगर डेटा साइंस की तरफ आ रहे हैं तो डेटा साइंस के लिए मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझाऊंगा कि मतलब आप डेटा साइंस आपके लिए क्यों है। जब आप प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होते हैं सब्जेक्ट, तो आपने वेरिएबल्स पढ़े हैं, तो अब मैं ये इस डिटेल में नहीं जा रहा कि आपने वेरिएबल के कितने टाइप्स होते हैं, लेकिन आप उन वेरिएबल्स में डेटा स्टोर करते हैं। तो डेटा कभी नंबर फॉर्मेट का होता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट का होता है, तो फॉर्मेट ऑफ द डेटा। कौन सा होता है, आप इंटीजर स्टोर करते हैं, आप फ्लोट स्टोर करते हैं और आप स्ट्रिंग वैल्यूज स्टोर करते हैं, आप कैरेक्टर स्टोर करते हैं। तो ये मुख्तलिफ जो डेटा आप स्टोर करते हैं, तो अब मैं आपको ये
अब स्टार्टिंग पॉइंट आपको मैं समझाऊंगा इस डेटा साइंस में कि आपने स्टार्ट कर लिया है मतलब डेटा साइंस को जब आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड चूज की है। तो वेरिएबल्स की जब हम बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल एक टास्क एक टीचर ने दिया आपको कि आप 10 वेरिएबल बनाएं और मेक 10 वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट एजेस और टास्क में दूसरी चीज ये है कि 5 एजेस लेस देन 60 इयर्स एंड 5 एजेस लेस देन ओ सॉरी ग्रेटर देन 60 इयर्स। हमारा ये पहला टास्क है कि फॉर एग्जांपल ये 10 वेरिएबल बन गए, अब हमें एजेस के वो एनालाइज करना है प्रोग्रामिंग के थ्रू के फॉर एग्जांपल कितने हमारे पास जो है वो 60 साल से कम के बंदे हैं और कितने जो है वो 60 साल के 60 साल से ऊपर के हैं। तो मतलब अगर फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, ये तो हमारे पास बहुत छोटा सा डेटा होगा। आगे चल के एक स्टेप वन स्टेप अहेड मैं क्या करेंगे, मतलब बजाय के 10 वेरिएबल बनाने के एक ही वेरिएबल बनाना होगा। सो वो एक वेरिएबल कैसे बनाएंगे कि मेक एन एरी वेरिएबल नेम्ड एजेस। आप क्या करेंगे उसमें जो है वो डिफरेंट एजेस जो है वो आप स्टोर करेंगे, फिर उस एरे को आप प्रोसेस करेंगे। उससे भी वन स्टेप है, आप जो डेटा है आपके पास वो आप स्टोर करेंगे स्टोर डेटा इन डेटाबेस। उसके बाद आप क्या करेंगे डेटा को रिट्राइव करेंगे डेटाबेस से और फिर इसको प्रोसेस करेंगे। लेकिन अब यहां तक तो मतलब चीज बात समझ में आई कि मतलब आप जो है वो डेटा आपका इधर आपको पता है कि इस सोर्स से आ रहा है, लेकिन जब आपके पास डेटा मल्टीपल सोर्सेस से आ रहा हो और डेटा भी ज्यादा हो बहुत, तो आप उस डेटा को कैसे एनालाइज करेंगे। मतलब सोर्सेज ऑफ द डेटा आर इन नंबर्स के कंप्यूटर से मोबाइल डिवाइस से कैमरा से टेक्स्ट फाइल है वीडियो है इमेजेस है, तो इतना सारा डेटा आ रहा है तो उसको प्रोसेस करने के लिए आप क्या करेंगे। तो डेफिनेटली तो ये कि वो बहुत सारा डेटा जो हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज से आ रहा है तो हम उसको प्रोसेस करके एक मीनिंगफुल फॉर्म में लाएंगे और उस डेटा में से हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए होगी वो उस डेटा से हासिल करेंगे। अच्छा हमारे पास डेटा की कितनी, जब हम डेटा की फॉर्मेट की बात करते हैं डेटा फॉर्मेट्स, तो हमारे पास एक हमारे पास होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा और दूसरा हमारे पास होता है अनस्ट्रक्चर्ड और तीसरा हमारे पास होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड। जब हम बात करते हैं इस स्ट्रक्चर्ड डेटा की, इट मींस के जो स्ट्रक्चर्ड डेटा है वो एक्चुअली एक फॉर्मेट में होगा जो डेटाबेस में फॉर एग्जांपल आरडीबीएमएस के फॉर्मेट में होता है वो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, वो उसको प्रोसेस करना आसान होता है। लेकिन दूसरा होता है हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, फॉर एग्जांपल ह्यूमन जनरेटेड डेटा है, तो फॉर एग्जांपल किसी डॉक्टर ने जो है वो प्रिस्क्रिप्शन लिखी है मेडिसिन की, तो वो उसका एक मतलब इस प्रॉपर कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता, वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है।
और तीसरा हमारे पास होता है सेमी स्ट्रक्चर डेटा। जो सेमी स्ट्रक्चर डेटा है उसमें क्या होता है कि टैग्स होते हैं, डेटा टैग्स, दो वो डेटाबेस में स्टोर नहीं होते, लेकिन मतलब क्योंकि डेटा टैग्स अवेलेबल हैं तो उनको फिर जो है वो किसी तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म में ला के जो है वो इसको हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब डेटा को हम जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं, ये डेटा के फॉर्मेट्स हो गए। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कि अब नॉर्मली जब हम डेटा साइंस की बात करते हैं तो हम दो तरह के टर्म्स यूज करते हैं, डेटा इंजीनियर्स और दूसरा हम यूज करते हैं टर्म डेटा साइंटिस्ट। अच्छा, जब हम डेटा इंजीनियर्स की बात करते हैं तो एक्चुअली दीज पीपल आर रिलेटेड विद दी प्रोसेस और हैंडलिंग ऑफ द डेटा। और वी कैन से दैट ऑप्टिमाइजिंग द डेटा और ऑप्टिमाइजिंग द प्रोसेस। जब हम डेटा साइंटिस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक्चुअली डेटा साइंटिस्ट डेटा इंजीनियर से डिफरेंट। जब हम डेटा साइंटिस्ट की बात करते हैं तो the data scientist is actually going to find out the insights from the data, valuable information from the data, के data क्या है, उसको data को जो है वो query करना है और उसको data को जो है वो process करना है और data को analyze करना है, उसके बाद जो है वो data में से जो results हैं वो generate करने हैं। वो डिफरेंट फॉर्मेट में होगी, फॉर एग्जांपल वो डिफरेंट ग्राफ्स में अवेलेबल होंगी और या डिफरेंट टेबल्स में उसका डेटा जो है वो शो होगा। तो डेटा साइंटिस्ट एक कैन एक्चुअली मेक मॉडल फ्रॉम द डेटा, एक प्रेडिक्टिव मॉडल। के फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल एक हेल्थ का डायबिटिक का जो है वो डेटा है, उसमें से प्रेडिक्ट करना है। एक बंदा चाह रहा है कि मतलब वो मेरा जो है वो डायबिटीज के हवाले से, और फॉर एग्जांपल दूसरा है जो बिजनेस से रिलेटेड डेटा है उसमें से कुछ जो है वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिट्राइव करनी है। तो मतलब इस हवाले से जो है वो डेटा साइंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस डेटा साइंस को और इंट्रोडक्शन को आगे कवर करेंगे और उसके बाद हम जो है वो डेटा साइंस स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकली यूजिंग पाइथन। थैंक यू सो मच।